नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, गर्मियां बहुत तेज़ हैं और उससे ज़्यादा तेज़ धूप है। वातावरण में बिल्कुल नमी शायद ही बची हो। पौधे बिल्कुल रुखे रुखे से नज़र आते हैं। सुबह मिसिंग करके पानी देने के बाद थोड़ी तरोताज़ा तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन जो दिन की तेज़ झुलसाने वाली धूप होती है, उसकी जो तपिश होती है, भले ही पौधे हमारे इंडोर हों, वो बिल्कुल झुलस से जा रहे हैं इसके अंदर। ऐसे में जो है, हम कोशिश भर कर रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश तक जो है हम अपने पौधों को सरवाइव करा पाएं। लेकिन गार्डनिंग का काम भी रुकना नहीं चाहिए। जो कुछ नए काम हमको करने हैं बारिश से पहले, क्योंकि बारिश जैसे ही ख़त्म होती है, थोड़ा सी शरद ऋतु आती है और उसके बाद जो है सीधे ठंडियाँ आ जाती हैं, तो वो डोरमेंशी हो जाती है परमानेंट प्लांट्स के लिए और उसमें हम उनके साथ कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे पास पेंडानेश का एक मदर प्लांट था और उस मदर प्लांट से देखिए मेरे पास पांच नए पौधे तैयार हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये है मदर प्लांट जिसको मैं नर्सरी से 40 रुपये का लेके आया था और आज अभी मैं नर्सरी जाता हूँ तो इसका 60-80 ऐसे ही मुझे प्राइस सुनने को मिलता है। और उस टाइम पर मैं इसको स्पाइडर प्लांट समझ के ले आया था। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी, मुझे इसको लाए हुए मुझे लगता है 4 से 5 साल हो गए। मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया था नई नई नर्सरीज को, तब मुझे ये पौधा मिला था। और आज जो है मेरे पास इसके जो हैं, ये देखिए, ये 5 नए पौधे बन गए हैं और ये है मदर प्लांट। आज इस मदर प्लांट जो है इसको मैं निकालूंगा इस पॉट के अंदर, क्योंकि जब से मैं इसको लेके आया हूँ ये इसी 8 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और ये जितने लगे हुए हैं ये सभी 4-4 इंच के छोटे छोटे गमले हैं। तो ये इसी 8 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और अब इसको जो है नए गमले की ज़रूरत है, इसलिए जो है आज मैं इसके गमले को चेंज करूँगा। इससे जितने नए प्लांट बना सकता हूँ मैं बनाऊँगा और उसके बाद जो है मदर प्लांट को इस 10 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए जो मैं सॉयल मैंने बनाकर रखी हुई है, इसके अंदर मैंने 40% जो है गार्डन की सॉयल ली है, 20% मैंने जो है कोकोपीट लिया है, 20% कंपोस्ट लिया है और 20% आपका जो है इसके अंदर सैंड मिक्स है। मतलब 40 उसके बाद 20 20 20 का रेशियो बनाया मैंने। 40% आपकी गार्डन सॉयल अगर होगी तो वो अच्छी पकड़ वाली मिट्टी बनाएगी, न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होगी, 20% कंपोस्ट भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा। कोकोपीट जो है जब तक रहेगी, डिकम्पोज नहीं होगी तब तक वो मॉइस्चर को होल्ड करेगी अच्छा, और सैंड जो है वो आपका बेड ड्रेन बनाएगी आपकी सॉइल को। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसके अंदर से जितने प्लांट्स मुझसे हो सकते हैं कि मैं नए पौधे बना लूं उतने मैं पहले निकाल लूँगा, क्योंकि है क्या कि ऊपर ये बढ़ता जा रहा है और लोड ज़्यादा होने की वजह से देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से हिल रहा है। अभी इसके नीचे से काफ़ी सारे पप निकल रहे हैं न्यू, तो सोच रहा हूँ किस तरीके से इसको निकालूं कि बाद में मुझे और ज़्यादा पौधे मिल जाएं और ये मदर प्लांट भी बचा रहे। और यहाँ से मैंने जो है, क्योंकि पहले ही दिखा दिया कि ये हिल रहा था यहाँ से, तो साइड से मुझे 2 पप्स ये मिले जिनके अंदर ऑलरेडी रूट्स जो हैं वो आई हुई हैं। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ से एक रूट ये बनी है, एक यहाँ बनी है और इस वाले के अंदर एक रूट यहाँ से आ रही है। तो एरियल रूट्स इसके अंदर बना करती हैं, एरियल रूट्स होती हैं जो नए प्लांट तैयार करने में हमको मदद करती हैं। तो 2 प्लांट तो मेरे ये तैयार हो जाएंगे। हालांकि गर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ऐसे में जो है ये रिस्क लेने लायक नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको मैं लगाऊंगा और उसके बाद गार्डन का जो सबसे ठंडा पोर्शन है जहाँ पर रख कर मैंने अपने ड्रेसिना को बचाया था आफ्टर रूट बॉल ओपन करके रिपोर्टिंग के बाद, तो वैसे ही इसके साथ भी करूँगा। और यहाँ पर जो है ये प्लांट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे निकले कि पप्स वाले पार्ट, ये जो नीचे वाले पप्स निकल रहे हैं ये रह जाए यहीं पर और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको मैं रिपोर्ट कर लूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं से कट कर देता हूँ।
तो ये रूट जो है कुछ रूट्स मैं बचाऊंगा जरूर, बाकी जो है मैं इसको यहीं से कट कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिस्क लेना जरूरी भी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद जो है बिल्कुल रूट सहित ये पूरा स्टेम वाला ऊपर का भाग मुझे मिल गया। इसमें काफी सारी रूट्स आई हैं। अब यहां तक मैं इसको मिट्टी के अंदर डाल दूंगा, तो ये रूट्स जितनी हैं ये सभी सब मिट्टी के अंदर जाकर पकड़ बना लेंगी, और ये मदर प्लांट जो है ये बच जाएगा। उसके बाद मदर प्लांट का नीचे वाला भाग जो है, जिसके अंदर से काफी सारे देखिए पर्प्स छोटे छोटे निकल रहे हैं यहाँ से, इसको भी मैंने बचा लिया। इसके ऊपर भी अभी मैं लगाऊंगा फंजीसाइड, यहाँ भी फंजीसाइड, जितने कटे हुए पार्ट हैं सभी पर फंजीसाइड लगाऊंगा, जिससे कि मेरा ये वाला प्लांट, इससे भी मुझे नया प्लांट मिल जाए और ये मदर प्लांट जो है ये भी नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। फंजीसाइड लगाने से फायदा ये रहता है कि जैसे अगर फंगस, किसी फंगस की वजह से हमारा प्लांट मरने लगता है, तो मतलब मरने की कंडीशन अगर आती है तो वो प्लांट जो है सेफ रहता है। मैंने देखिए ये जो कट करके निकाले थे सारे पहले से, इसके ऊपर भी मैं फंजीसाइड लगा रहा हूँ। अभी मिट्टी जो मैं इसकी बनाऊंगा, मिट्टी के अंदर भी मैं फंजीसाइड मिक्स करूंगा। अगर आपके पास ये साफ का फंजीसाइड ना हो तो आप इसकी जगह पे जो है आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा हो तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर वो भी ना हो तो आपके घर में हल्दी जरूर होगी, हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हल्दी भी बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनिक फंजिसाइड का काम करती है। अब इसके बाद जो है हमने पॉट के अंदर मिट्टी भर दी है, और प्लांट्स को जो है इस तरीके से पकड़कर जो है, क्योंकि साइड से मिट्टी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर एक दो पप्स और हैं जो निकाले जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर चूंकि एरियल रूट्स नहीं थी तो मैंने रिस्क नहीं लिया। इस वाले पे मैंने फंजीसाइड लगाकर छोड़ दिया है, अभी इसके अंदर सिर्फ वाटरिंग कर दूंगा। और ये वाला प्लांट मैंने चूंकि मिट्टी पहले से बनाकर रखी हुई थी तो इसको मैंने इसके अंदर रिपोर्ट कर दिया। अब बचे जो है मेरे बाकी के दो निकाले हुए पप्स, तो उनके लिए भी मैंने देखिए एक ये हैंडमेड जो है वेस्ट मटेरियल का पॉट मैंने लिया है, एक इसके अंदर मैं लगा दूंगा, और दूसरा जो है ये मैंने एक पॉट ये तैयार किया है इसके अंदर डाल दूंगा। तो ये जो है कुछ करना नहीं है, सिर्फ उतना ही पार्ट हमको अंदर लेके जाना है जितने में जो है रूट्स बनी हुई हैं, या थोड़ा सा अंदर अगर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए एक मदर प्लांट जो था उसने अपना ये रूट भी बचा कर रखा है अपनी जड़ों को, एक नया पौधा भी बन गया ये, और दो नए पौधे और तैयार हुए, और यहाँ पर इतने सारे इसके पौधे ऑलरेडी जो हैं वो तैयार हो रखे हैं। धीरे धीरे करके ज़्यादा इसको इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका एक लैंडस्केप तैयार करना है, और जब तैयार करूँगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अभी तो मैं इन तीनों को जो है सबसे ठंडा पोर्शन जो गार्डन का है वहाँ शिफ्ट करूँगा, क्योंकि है क्या गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, धूप लगने से ये जो है लगने की बजाय मर जाएंगे। तो फिलहाल जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।